ओके गाइस, 25 झीलों में से एक झील हमारे पटपटगंज में भी है। दिल्ली लंदन बन चुकी है ना, तो हम तो बहुत खुश हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है ना, उड़ने वाली बारिश हो रही है। ये देखिए, और सारे सोए हैं हमारे घर में। मैं देख रही हूँ टीवी क्योंकि मुझे नींद आ नहीं रही है। और अभी बजने वाले हैं, बज गए हैं 4, और ये लोग सब सोए हैं। इधर काना नहीं सोया है और बाबू नीचे सोइए। क्या श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो आई होप कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। यह है संडे की वीडियो। मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, बहुत दिन बाद आज अपलोड कर रही हूँ, यानी कि 2-3 दिन बाद। और अभी मार्केट जा रहे हैं, अपने घर के पास वाले मार्केट में। देखने के जाओ 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 जाओ, हरा भरा। जब भी बारिश पड़ती है ना, इतना हरा भरा हो जाता है पूरा आसपास का जो वातावरण है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। और प्राकृतिक छटा एक अलग ही रंग दिखाती है अपना। अपने ही घर के पास वाले मार्केट में जा रहे हैं। जो मेरा सूट का कपड़ा था ना, वो हो गया था मेरे पर छोटा, यानी कि मतलब मेरे सिलने के लायक नहीं था वो। तो रिधिमा ने कहा कि मम्मा मेरे लिए सिलवा दो, वही देने जा रहे हैं। और आज संडे का दिन है, थोड़ा वीडियो अपलोड करने में ना लेट हो गया है, तो इसीलिए मैंने 2 दिन का ब्रेक ले लिया था। और अभी पूरे रोड पे इतना पानी पानी हो रखा है सारा कि मैं क्या बताऊँ। ये हमारे दिल्ली की झीलें हैं। मेन रोड पे इतना पानी भरा है कि मतलब पानी जाता ही नहीं है, कहीं रिसता ही नहीं है पानी। और ये दिल्ली लंदन बन चुकी है, 25 झीलों में से एक झील भी है दिल्ली की। तो कल एक सूट में से जो ग्रीन कलर का था ना, वाइट वाइट फूल थे जिसपे, तो बाबू के लिए सिला रहे हैं। कह रही है मम्मी मेरे लिए सिला दो, क्योंकि वो कपड़ा ना कम पड़ गया है। तो अभी आज संडे है, हमने सोचा कि संडे को दे देते हैं, और हस्बैंड जी ने ज़बरदस्ती करी। तो अब अच्छा लग रहा है मेरे को बाहर आके, कि अच्छा ही हुआ है ना। तो चलिए, लोग भी देख रहे हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं कैमरा। और यहाँ पे जाम लग चुका है, तो हमारा मार्केट ना बस जाम लगा है, जहाँ पे वहाँ से आगे लगता है। कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं पेड़। हम पहुँच गए हैं अपने मार्केट में, और इधर मेन रोड और इधर को अंदर को मार्केट गली में, ये है हमारा लोकल मार्केट। और यहाँ पे बहुत सारे टेलर हैं, लेकिन 1500-1500 सिलाई है तेरी है सारे टेलर, और बहुत सारे टेलर हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं। तो इधर बहुत सारे टेलर, चल। हाँ ऐसे ही सही लगेगा। हाँ चलो ले लो, नाप ले लो, लंबाई करना भाई। बाबू का कुर्ता भी दे दिया है सिलने के लिए, है ना। ये क्या लेनी, वो कोड़े ले लो, पूजा की बुक वगैरह लेने के लिए, रखने के लिए, सॉरी लेने के लिए, रखने के लिए डिब्बे कुछ लिया है, घर की चीजें हैं इसमें। अभी लेना है मुझे एक झाड़ू, झाड़ू की ना यहाँ पे एक होलसेल दुकान है, वहाँ से लेते हैं, अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं घर। और मार्केट में ना बहुत ज़्यादा बरसात का पानी हो रखा था, और इतनी ज़्यादा परेशानी आ गई। तो अभी हम आ गए हैं, थोड़ा देर के लिए गए थे इधर अपने लोकल ही मार्केट में, तो कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। और मेन लेना था मुझे झाड़ू, जो कि मेरा टूट चुका था। जो मेरा झाड़ू होता है ना, उसको मैं गेट के बाहर नहीं लगाती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी 2-3 दिन की, मैंने गेट के बाहर भी लगा दिया हो, यानी कि अपनी देहरी के बाहर। घिनाती है मेरे को, मतलब देहरी से बाहर जो झाड़ू जाए। तो अब ले आई हूँ मैं अपने लिए ये न्यू वाला झाड़ू, ये वाला। तो ये अंदर का झाड़ू रहेगा और वो बाहर का झाड़ू रहेगा।
और आज छुट्टी है तो सही रहता है, छुट्टी के दिन छोटी छोटी चीज़ें याद आ जाती है, मतलब जो छोटी छोटी होती हैं जिनको कि लाने में मैं बहुत लापरवाही कर देती हूँ और निकलती भी नहीं हूँ बाहर, लेकिन और थैला मेरे पास ये दिया गया ये थैला दिया गया, इसको मैं खाली लाया हूँ ये थैला बहुत भारी हो गया था ना इनके पास, तो चलिए मैं ना क्या लाई हूँ वो दिखाती हूँ। मैं ना एक झाड़ू लेकर आई हूँ, ये तो पनीर है, ले बाबू ये तो फ्रिज में दे दे, ये सुबह बच्चों के लिए पराठे बनेंगे कल पनीर के। और ये कान का है, ये देखो कान साफ करने का है ये। और एक कैंची लाई थी मैं, कैंची ला रखी हूँ, कैंची काना ने तोड़ दिया आज, तो जैसे ना छोटी मोटी चीज़ें काटना, कुछ भी काटना, जैसे यानी कि दूध की थैलियाँ कुछ भी पैकेट काटना है ना, बहुत काम आती है किचन में कैंची। एक लाई हूँ मैं ये भी टूट गया था। और एक लाई हूँ मैं गाला का, ये दिखाती हूँ मैं, फाड़ना बाबू इसको फाड़ना जरा। और एक किलो प्याज, ख़त्म हो गया था प्याज, तीन चार बचा था बस वहाँ पे। और ये झाड़ू लाई हूँ मैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ झाड़ू कैसा है। ये इस टाइप का झाड़ू है, अब की बार में ना ये वाला झाड़ू लाई हूँ जिसपे खूब घास होती है। ओ साइज अच्छा है इसका ना, दो भाई सही है इसका साइज बहुत अच्छा है। और ये ना इस टाइल में, मतलब इन फर्श में, इस फर्श में बहुत अच्छा रहता है। ये देखो टाइल के बराबर तो नहीं है यार, आपने कहा कि टाइल के बराबर है, नहीं है यार, लेकिन हाँ जो हमारा है ना उससे तो बड़ा ही है। सही है, कितने का ये, 120 रुपये का ना, तो ये सही है। और इससे बहुत अच्छा लगता है झाड़ू, वो पोचा एकदम बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये देखो अच्छा रहता है ये पोचा मारने के लिए, साफ भी हो जाता है, प्लस जैसे और कपड़ा होता है ना तो उससे क्या होता है कि पानी छूट जाता है फर्श में, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पानी छूटे, गीला गीला पोछा लगे, क्योंकि गीला पोछा जो होता है वो साफ नहीं होता है, ये सूख भी जाता है साफ साफ, और बहुत अच्छा, और ये एकदम चमाचम रहता है फर्श तुम्हारे खुद देखो तो चलिए। तो ये वाला जो झाड़ू है ना तो म्यार अगली पिछनी बड़े किलो घूमना छो ये वाला झाड़ू अच्छा है हवा ना अपने बालों पे क्यों लगा ये अच्छा, ये देखो ये बढ़िया ग्रिप है इसकी, ये बंद कर रखा है, इसकी ना सीके नहीं निकलेगी, मतलब झाड़ू भी अच्छा होना चाहिए, उसका भी कोई मतलब पैमाना है मतलब झाड़ू भी बल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल झाड़ू भी और पोछा भी साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मैं सफाई कर्मी हूँ मैं सफाई कर्मचारी हूँ, तो भाई तब अब अपना अपना हथियार तो बढ़िया ही होना चाहिए ना, जैसे आपका हथियार क्या है, फोन फोन के अलावा तो चलिए चाय का ऑर्डर आ गया है, पापा का काम ही क्या है टीवी के अलावा तो ये सामान हटाया जाए अब यहाँ से बाबू, ये भी आए हम, हाँ चलो चलो और पढ़ाई पे बैठो जाओ, चाय मैं बना लूंगी, ना 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 मैं यहाँ पे बना लूँ, जा तू उठ तू बड़ा तू इधर तुम जस्ट यू वेटिंग एंड लिसनिंग द डिबेट क्या आप डिबेट देखो मेरे साथ, आपको मैं बता रहा देश दुनिया की खबर, मुझे नहीं जानने देश दुनिया की खबर क्या हो रहा है, बस अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, बाकी क्या हो रहा है क्या देखना है, इतना बुरा लग रहा है देख के, क्या करें बाबू चलो। ये देखिए मैं भिंडी काट रही हूँ और भिंडी की सब्जी काट रही हूँ, और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि मुझे शूट कौन कर रहे हैं मुझे ना हमारी दीदी शूट कर रही है दीदी मतलब जब वो भाभी बोलती है तो मैं दीदी बोलती हूँ, चाहे वो मेरे से छोटे होंगे, है ना छोटे होंगे तो हाँ ननद को दीदी बोला जाता है और आज का कुरमिरी वाली भिंडी बनेगी बहुत अच्छी, इसमें थोड़ा सा प्याज काटा जाएगा तो हम प्याज भी काटेंगे, और वो मुझे बहुत मोटिवेट कर दे, आपका बहुत दिल से धन्यवाद और कभी मिलवाऊंगी मैं जब वो मिलना चाहेंगी, है ना तब मिलवाऊंगी उनके बिना बोले हुए नहीं है ना, तो अभी हम ना कभी इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे तो इस्कॉन टेम्पल, हाँ इस्कॉन टेम्पल की वीडियो मिलेंगी आपको बहुत अच्छे, जो नोएडा में है ना इस्कॉन टेम्पल, तो इस्कॉन टेम्पल जाएंगे हम, आपको दर्शन कराएंगे बहुत अच्छे अच्छे दर्शन, और
देखते हैं कहाँ कहाँ के दर्शन कराते हैं, है ना, वो तो भगवान जी को पता होगा और कोशिश हमें भी करनी है।